Hello, friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video update. Let's do question number 8 of exercise 15d that is, the properties of triangle. Question number 8 is in triangle ABC. Friends, triangle ABC a b and c angle b is 35 degree angle c is 55 degree which of the following is true first part first part is ac square equals to ab square plus bc square फ्रेंड्स ये निकालने के लिए पहले हम थर्ड एंगल निकालेंगे कि वेदर डज अ राइट क्योंकि पायथागोरस थ्योरम है पायथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इन अ राइट ट्राइंगल फर्स्ट थिंग राइट ट्राइंगल निकालने के लिए एंगल ए निकालेंगे एंगल ए हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू वन डिग्री होता है एंगल right तो ए निकालना है हमें एंगल बीज थर्टी फाइव डिग्री एंड एंगल सीज फिफ्टी फाइव डिग्री इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो एंगल ए कितना हो गया प्लस टेन कैरी वन नाइन इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री तो एंगल ए कितना आ गया वन एट्टी माइनस नाइनटी दैट इज नाइंटी डिग्री तो ये कितना आ गया नाइन्टी डिग्री अब जब भी कोई भी एंगल 90 डिग्री होता है उसके ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाई न्यूज होती है तो हाई पॉट न्यूज कौन सी हुई बी सी राइट फ्रेंड्स और उसके एक साइड बेस मानते हैं और एक साइड परपेंडिकुलर मानते हैं अब देखिए अब ये कह रहा है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो ये क्या हो गया हाई न्यूज हो गई तो ये प्लस में हो रहा है परपेंडिकुलर के साथ मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो इज दिस राइट नो दिस इज इज रॉन्ग राइट फ्रेंड्स अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है ए बी स्क्वायर सॉरी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वा अब बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर तो ये दोनों को प्लस करते हम तब ये बैठता तो हाई पोर्टिन्यूज होता है हमारा क्या होता है हाई पॉटन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू पोपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाई पोर्टिन्यूज हमने देखा कि बी सी है तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू पोपेंडिकुलर अगर हम ए बी को मानते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी सॉरी ए सी स्क्वायर तो कौन सी ये भी रॉन्ग So no, it's false. And third is B C square equals to A B square plus A C square. Ye dekhi, ye same then it's true. Let's do question number ninth of exercise 15D. That is the properties of triangle. Question number ninth is

एक लेडर है जो कि वॉल पे खड़ी हुई है विंडो पे खड़ी हुई है दैट इज ट्वेल्व मीटर ऊंचाई पे जो विंडो है हाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल तो यहां से वॉल से लेडर तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है लेट द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर मतलब लेडर से लेडर लेडर के फुट से वॉल तक का डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल फ्रॉम द वॉल है एक्स इक्वल्स टू एक्स मीटर राइट फ्रेंड्स आप देखिए ये हमारा राइट ट्राइंगल बन रहा है क्यों राइट ट्राइंगल बन रहा है कि ये फुट है और उस पर सीधी खड़ी हुई वॉल है टेढ़ी तो नहीं हो सकती वॉल तो ये नाइनटी डिग्री का एंगल हो गया तो हम कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हाई पॉट न्यूज कितना हो गया हमारा हाई पॉटे न्यूज हो गया हमारा फिफ्टी मीटर और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12 मीटर राइट फ्रेंड्स तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया पाइथागोरस पायथागोरस थी और बी स्क्र एच कितना है 15 का का स्क्वायर स्क्वायर कितना है है हमने राइट फ्रेंड्स तो फिफ्टीन का स्क्वायर कितना हो गया वन 15, 15 तो ये आ गया फाइव टू 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 ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ये होता है 144, ये है हमारा स्क्वायर एक्सक्वायर एक्स ये प्लस में था इसके साथ इधर आके माइनस का हो गया तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू फोर में से फाइव गए वन टू ट्वेल्व में से फोर गए इज एट तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एन हमें पता है 9, 9, तो ये पेर बन गए एक बार बाहर लिख दिया दैट इज नाइन मीटर इज द आंसर थैंक यू इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू